हेलो स्टूडेंट्स मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस जैसे बच्चों हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने तीन पैसेज कंप्लीट कर लिए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसी से हम देखते हैं आज अपना पैसेज नंबर फोर तो देखते हैं बच्चों पैसेज नंबर फोर क्या कहता है कह रहा टू और मोर रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरल बोथ डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द सर्किट रजिस्टेंस तो टू और मोर रजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट फ्लोइंग थ्रो ईच रजिस्टर इज सेम द इक्वलेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज मतलब कि अगर कोई भी आपके पास सीरीज में जुड़ा हुआ होता है बच्चों तो रजिस्टेंस प्लस होते हैं ये नहीं यानी कि अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज बी वन यहाँ पर आपका वोल्टेज बी टू और इसके अक्रॉस बी थ्री यानी कि जो वी है वो क्या होता है वी वन प्लस वी टू प्लस बी थ्री और वी इजिकल टू आई आर क्योंकि सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होगी क्योंकि एक ही रास्ता उसके पास है तो आई आर वन आई आर टू और आई आर थ्री होगा आप आई कॉमन ले सकते हो तो जब कॉमन लोगे तो बच्चों मिलेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो आई से आई कैंसिल यानी कि जो रेजिस्टेंस है देखो बच्चों ध्यान देना अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि एक रेजिस्टेंस तीन ओम है एक रेजिस्टेंस चार ओम है और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो बच्चों देखो इनका नेट कितना हो जाएगा पांच ओम तो ये जो पांच ओम का रजिस्टेंस है ये इन दोनों से तो बड़ा है ना तो हमेशा ध्यान रखना सीरीज में जो रजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रजिस्टेंस से ज्यादा होता है क्लियर है इतनी बात ओके देखते हैं वे तो थ्री रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज

कितना आ गया थ्री आर तो ये तो बड़ा है ना आर से ठीक है अब क्या कहता है कह रहा है देर इज़ अ वायर ऑफ लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर रेजिस्टेंस ट्वेंटी ओम चार इक्वल चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है चलो भाई चार पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक कितने का हो जाएगा बच्चों पाँच ओम का और फिर इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है फिर से जोड़ोगे पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच तो फिर से कितना हो गया ट्वेंटी ओम तो ऑप्शन हो गया कितना तो आसान है ओके द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो बच्चों एक दो तीन चार और पांच फाइव आर आपके पास हो गए और आर की वैल्यू कितनी है तो दो ओम है तो सिंपल आपका हो जाएगा दस ओम क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सिंपल ऐड हो जाते हैं अब करें इन द गिवन सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टर पहले निकालो कि टोटल रेजिस्टेंस कितने सीरीज में है तो फॉर्मूला अपना प्लस हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि तीन दो पांच और एक छः ओम करंट होती है आई इजिकल टू हो जाएगी वी ए अपोन आर यानी कि एटीन अपॉन सिक्स यानी कि थ्री एमपियर कोई दिक्कत तो नहीं सिंपल सा पैसेज था आपने इसे बहुत आसानी से कर लिया होगा तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही थैंक यू